हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एफडी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं 14 से 15 बैंक सेलेक्ट किया दोस्तों। कौन सा बैंक कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, नॉर्मल आदमी के लिए कितना है और सीनियर सिटीजन के लिए कितना परसेंट है। ठीक है, अगर आप एफडी करना चाहते हो दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा देखिए तब आप एफडी करना। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बैंक का बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एसबीआई का पीरियड है दोस्तों 3 साल 5 साल। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल एफडी है दोस्तों और सीनियर सिटीजन का एफडी है। चलिए स्टेट बैंक का बात करता हूँ, एसबीआई बैंक का। वहाँ पर अगर आप 3 साल के लिए एफडी करना चाहते दोस्तों, यहाँ पर आपको परसेंट मिलेगा इंटरेस्ट रेट का दोस्तों 5.45% मिलेगा 3 साल के लिए। अगर आप 5 साल के लिए करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5.50% मिलेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन जिसका एज दोस्तों 60 साल का ऊपर है। ठीक है, तो उसको मिलेगा दोस्तों 5.95% 3 साल के लिए और 5 साल के लिए मिलेगा 6.30%। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक के बारे में। वहाँ पर भी अगर आप नॉर्मल एफडी करना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको 5.50% मिल जाएगा और 5 साल के लिए करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा 5.070% मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात कर लेता हूँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन में आपको 6% मिल जाएगा और 5 साल के लिए आपको मिल जाएगा 6.20%। उसके बाद दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करते हो तो आईसीआईसीआई बैंक में दोस्तों यहाँ पर आपको 3 साल के लिए एफडी करना चाहते हो तो आपको 5.50% मिल जाएगा। अगर 5 साल के लिए एफडी करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा 5.70%। सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा दोस्तों 6% और आपको मिल जाएगा 5% में आपको 6.20% मिल जाएगा 5 ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों 5.50% मिलेगा 3 साल के लिए और 5 साल के लिए आपको मिलेगा 5.50%। सीनियर सिटीजन को मिलेगा दोस्तों 6% और 5 साल के लिए अगर एफडी करना चाहते हो तो आपको मिलेगा दोस्तों 6.15%। उसके बाद बात करते हो दोस्तों यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। ठीक है, उसका जो 3 साल के लिए अगर एफडी करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा 5.90%, 5 साल के मिल जाएगा दोस्तों 5.90%। ठीक है, सेम है। तो सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों 6.40% और 6.40%। ठीक है, सेम है। तो डीसीबी बैंक के बारे में बात करो, डीसीबी बैंक इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6.60% और 5 साल के भी सेम है दोस्तों। यहाँ पर सीनियर सिटीजन में भी यहाँ पर 7.10% मिल जाएगा आपको सेम। ठीक है, तो उसका बात करते हो नीचे में दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्मल एफडी 3 साल के लिए मिल जाएगा 5.50% और 5 साल के लिए मिल जाएगा आपको 5.75%। सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा दोस्तों 3 साल के लिए 5.50% और 5 ईयर के लिए मिल जाएगा दोस्तों 5.75%। उसके बाद है आरबीएल बैंक, उसका आपको 3 साल के मिल जाएगा 6.55% और 5 साल के मिल जाएगा आपको सेम है। ठीक है, सिटीजन सीनियर सिटीजन के लिए भी 7.05% है और 5 ईयर के लिए भी सेम है। उसके बाद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, उसमें आपको परसेंट मिलता है दोस्तों इंटरेस्ट का 6.50% और 5 ईयर के लिए भी सेम है और सीनियर सिटीजन के लिए 7% है, 5 ईयर के लिए भी सेम है। उसके बाद आते हैं तो बंधन बैंक। बंधन बैंक में दोस्तों यहाँ पर 6.50% मिल रहा है आपको 3 साल के लिए और 5 साल के लिए दोस्तों मिलता है आपको 5.60%। ठीक है, यहाँ पर सीनियर सिटीजन को मिलता है दोस्तों 7.25% और 5 ईयर के लिए 6.35%। येस बैंक में मिलता है आपको 6.50% और 5 ईयर के लिए 6.50%। सीनियर सिटीजन को मिलता है 7.25% और 5 ईयर के मिलते हैं सेम 7.25%। उसके बाद है दोस्तों पीएनबी बैंक, वहाँ पर आपको 3 साल के लिए एफडी इंटरेस्ट मिलता है 5.50% और 5 ईयर के लिए मिलता है आपको 5.60%। सीनियर सिटीजन को मिलता है 3 ईयर के लिए 6% और 5 ईयर के लिए मिलता है आपको 6.10%। उसके बाद है दोस्तों फेडरल बैंक, यहाँ पर आपको मिल जाता है 3 साल के लिए 5.75% और 5 साल के लिए आपको 5.75% सेम है। उसके बाद सीनियर सिटीजन को मिलता है 6.25% और 5 ईयर के लिए 6.40%। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का जो एफडी है दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 साल के लिए मिल जाता है 5.50% एंड आपको 5 साल के मिलते हैं 6.70%। सीनियर सिटीजन को मिलता है दोस्तों 5.50% और 5 ईयर के लिए 6.70%। दोस्तों अगर कोई बैंक छूट गया है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट बता दूंगा वहाँ पर कमेंट में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।